प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 92 मिनट के भाषण में पिछले 70 दिन के कामकाज का भी ब्यौरा सामने रखा और अगले 5 साल के विकास का जो एजेंडा है वो भी देश के सामने रखा, लेकिन मुख्य चिंता उनकी धारा 370 को लेकर थी जिसे सरकार ने हटाया है और वो जम्मू कश्मीर की जनता, लद्दाख की जनता को आश्वस्त करना चाहते थे कि सब कुछ ठीक है, धारा 70 हटाने से भ्रष्टाचार हटेगा, इससे आतंकवाद खत्म होगा, नई नौकरियाँ मिलेंगी और जनता को वहाँ खासतौर से कश्मीर के युवाओं को वो आश्वस्त करना चाहते थे कि सरकार उनके साथ है और अपने दायित्व अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेगी। कुल मिलाकर 10 मिनट धारा 370 के मुद्दे पर लिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान को बिना नाम लिए जोड़ा, आतंकवाद जिस ढंग से पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान की समस्या हो, बांग्लादेश में आतंकवाद हो, ये सब चीज़ों को प्रधानमंत्री ने लिया। आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था, इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है और वो बार बार इसका जिक्र करना भूलते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने जिक्र किया उनका, हालांकि ये कहना था कि पिछले 70 साल में जो इकोनॉमी थी वो सिर्फ $1 ट्रिलियन हुई थी, जिसे पिछले 5-6 साल में बढ़ाकर उनकी सरकार के समय दुगना करीब करीब कर दिया गया, $2 ट्रिलियन से $3 ट्रिलियन हो गई। अब इसमें कुछ अर्थशास्त्रियों के आपसी मतभेद हो सकते हैं, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो, ये उनका एक सपना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमने हमेशा ऊंचे निशान रखने चाहिए। तीनों सेनाओं का एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना, ये एक बड़ी मांग थी, पुरानी मांग थी। इसका एक व्यवहारिक पहलू क्या है, इस बारे में तो रक्षा विशेषज्ञ ज़्यादा समझा पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जब देश आतंकवाद से जूझ रहा है, जब देश खुफिया जानकारियां हैं उनका एकीकरण की बात हो रही है, तो ऐसे में तीन सेनाओं के एकीकरण मुझे लगता है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमारी तीनों जल थल नभ, उनके बीच कोऑर्डिनेशन तो है, हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की व्यवस्थाएं भी अपने अपने तरीके से आधुनिकता के लिए भी प्रयास करते हैं, लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है, व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। हर घर के लिए जल के लिए 3.5 लाख करोड़, ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। 2024 या उसके आगे के चुनाव को मद्देनजर रखकर प्रधानमंत्री इस योजना पर दाव लगा रहे हैं। 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखना, ये बात बजट में भी थी, हालांकि ये बात दोहराई गई है। 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। बड़ी बात है कि वो पर्यावरण पर जोर देते हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण पर भी जोर दे रहे हैं। अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए वास्तव में 2 अक्टूबर से क्या बहुत बड़ा ऐसा व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ये खानापूर्ति हो जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब। देश की जो जनता है देश के शहरों में घूमे, अगले 2 साल में 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात है, यानी वो सबके आगे एक लक्ष्य रख रहे हैं भारतीयों के आगे, कि अगर एक भारतीय देश के अंदर 15 शहरों में अगले 2 साल घूमता है तो वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को जहाँ भी वो घूमने जाएगा रोजगार देगा, चाहे वो होटल व्यवसाय हो, चाहे टैक्सी व्यवसाय हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का क्षेत्र हो, शॉपिंग हो, या वो जो किले मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो घूमने जाएगा। हम सभी देशवासी तय करें कि हमें देश के टूरिज्म को बल देना है, क्या हम उस काम के लिए, टूरिस्ट जब बढ़ता है कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा रोजगार मिलता है, देश की इकोनॉमी को बल मिलता है, हम सोचे कि दुनिया हमारे देश कैसे आए
हमारे टूरिज्म के क्षेत्र को कैसे बल मिले, हमारे वैज्ञानिकों को बेहतर संसाधनों के लिए पूरी सुविधा हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।